हेलो स्टूडेंट्स, हम ऊतक चैप्टर में पढ़ रहे थे जिसमें हमने पादप ऊतक पढ़ा है, जिसमें विभाजित ऊतक को तीन भागों में बांटा है, इसके बारे में पढ़ा है। स्थायी ऊतक को भी तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें सरल को तीन भागों में बांटा है, ये भी हमने पढ़ा। आज हम जटिल पढ़ेंगे जिन्हें दो भागों में बांटा गया है और विशिष्ट पढ़ेंगे। पहले आते हैं हम जटिल पर। जटिल ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा पादपों में आंतरिक परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, नंबर एक जाइलम और नंबर दो फ्लोएम। जाइलम ये जल संवाहक ऊतक कहलाता है। यह मृदा से जल एवं खनिज लवणों को लेकर पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यह ऊतक पादप का प्रमुख काष्ठीय भाग बनाता है, यानी कि जो लकड़ी का जो तने जो भाग होता है, काष्ठीय भाग, वो किससे बनता है? इसी से बनता है। चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, दारु मृद ऊतक, दारु तंतु। वाहिनिकाएं निर्जीव लंबी नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन का जमाव रहता है। इसका टाइप्स कैसे रहते हैं? सर्पिलाकार, वलयाकार, जालिका रूपी, गर्तमय, इस तरीके के इसके प्रकार होते हैं। इस तरीके की ये होती हैं। इसमें वाहिनिकाओं का जैसे हम डायग्राम देखें तो इसमें ये लंबी पतली सी है और इसमें है ना गर्त बने हुए हैं। वाहिकाएं, वाहिकाएं पतली बेलनाकार नलीनुमा वाहिनिकाओं से अधिक चौड़ी होती हैं। आपने वाहिनिकाएं देखी, वो कैसी थी? आपकी पतली थी, सक्रिय थी, और ये कैसी हैं? आपकी चौड़ी हैं। पतली बेलनाकार नलिकाकार वाहिनिकाओं से अधिक चौड़ी और लिग्निन के जमाव के कारण इसका आकार कैसा हो जाता है? सर्पिलाकार, वलयाकार, जालिकाकार, सोपानवत, गर्ती आदि प्रकार की होती हैं। अब आते हैं हम दारुमृदूतक। दारुमृदूतक जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसमें लिग्निन जमाव के कारण कैसी होती हैं? ये मोटी होती हैं। इसमें आप देखिए इसका शेप ऐसा होता है, इसमें जीव द्रव्य भरा होता है और बीच में ये केंद्रक पाया जाता है। जिसमें जीव द्रव्य होगा तो वो कैसी होंगी? आपकी जीवित होंगी। आप जीव द्रव्य से ही समझ सकते हैं। जैसे हमने दृढ़ों तक में पढ़ा था कि ये परिपक्व होने के साथ साथ कैसी हो जाती हैं? जीव द्रव्य इस पर समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वो कैसी होती है? डेड सेल्स होती हैं। अब आते हैं दारु तंतु। ये निर्जीव होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं, सिरों पर नुकीली होती हैं। आप इसी से समझ लीजिए, निर्जीव है यानी इनमें ये जीवित नहीं है, क्योंकि इसमें जीव द्रव्य नहीं होगा। तो ये कैसी होंगी? आपकी पतली और सक्रिय होंगी, और ये कैसी होंगी? आपकी निर्जीव होंगी। दूसरा आता है हमारा इसका टाइप फ्लोएम पोषवा, जिसे कहते हैं। इसकी कोशिकाएं भित्ति दृढ़ और लिग्निन युक्त होती है। इस ऊतक का मुख्य कार्य पादपों में भोज्य पदार्थों का संवहन है। चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हमने जाइलम जो पढ़ा था वो जल का संवहन करता है, और फ्लोएम किसका संवहन करता है? ये खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। इसमें कितनी कोशिकाएं हैं? ये भी चार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृद ऊतक, फ्लोएम रेशे। पहले अब हम आते हैं चालनी नलिकाओं के बारे में। नलिकाकार सजीव लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो कैसी होती है? कतार में स्थित होती हैं। कोशिकाओं के बीच बीच में छिद्र वाली भित्तियां होती हैं। क्या पाई जाती हैं? आपकी छिद्र वाली भित्तियां पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें चालनी पट्टिकाएं कहते हैं, यानी छन्नी जैसी संरचना होती है। सह कोशिकाएं लंबी पतली चालनी नलिकाओं के पार्श्व में उपस्थित होती हैं। केवल आवृत बीजी में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, हर उसमें नहीं पाई जाएंगी, सिर्फ आवृत बीजी जो होंगे पादप, वही उन्हीं में ही ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। फ्लोएम मृद ऊतक चालनी नलिकाओं के बीच बीच में जीवित लंबी केंद्रक युक्त छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? फ्लोएम मृद ऊतक कहते हैं। जैसे जाइलम मृद ऊतक होता था, फ्लोएम रेशे ये लंबी दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं। ये यांत्रिक शक्ति और दृढ़ता प्रदान करते हैं। अब हम विशिष्ट प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ते हैं। पादपों में ये ऊतक जो है विशेष कार्य करते हैं। ये अनेक प्रकार के पदार्थों का स्रावण करते हैं। जैसे नंबर एक है ग्रंथिल, नंबर दो है रबर चीरी। ग्रंथिल तेल, रेजिन, मकरंद, जल का स्रावण करते हैं, वो आपके ग्रंथिल ऊतक हो गए। रबर छीरी ऊतक, ये ऊतक गाढ़ा जलीय लेटेक्स यानी रबर छीर स्त्रावित करते हैं, तो ये आपके क्या हुए? रबर छीरी ऊतक हुए। अब हम आते हैं, ये हमारा पूरा पादप ऊतक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है जंतु ऊतक। पादपों के समान ही जटिल जंतुओं की संरचना भी ऊतकों द्वारा निर्मित होती है। इसका क्लासिफिकेशन देखें तो जंतु ऊतक को चार भागों में बांटा गया है। उपकला, एपिथीलियल ऊतक,
संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। पहला आता है हम उपकला पर। उपकला जो है वो भी आच्छादी और ग्रंथिल में बांटी गई है। आच्छादी को भी कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक सरल, नंबर दो आभासी स्त्रत स्तंभी, नंबर तीन स्त्रत, नंबर चार विशेषीकृत उपकला ऊतक। पहले आते हैं हम सरल। सरल को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, शल्की सरल उपकला ऊतक, स्तंभी सरल उपकला ऊतक और घनाकार सरल उपकला ऊतक। इसी तरह से विशेषीकृत को भी तीन भागों में बांटा गया है, अंतर्वर्ती संवेदी रंगा उपकला। दूसरे पर आते हैं हम संयोजी ऊतक को। इसमें तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है, वास्तविक, कंकालीय, संवहनीय। कंकालियों को भी दो भागों में बांटा गया है, उपास्थि अस्थि, और संवहनियों को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो में, रुधिर और लसिका। पेशीय को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, रेखित, अरेखित और हृद। ये हमारा वर्गीकरण था जंतु ऊतक का। इसके आगे का हम विस्तार से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे।